आई एम अनुसा रमजान फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज का हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली हम चेक करेंगे कि अपने डेटाबेस के अंदर जो है वो हम अपने डाटा को किस तरह से ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई नेटवर्क सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि वो नेटवर्क सिस्टम जो है वो हम उसको ट्रांसपेरेंट रखें फ्रॉम यूज़र एंड। हमारे पास दो एंड हैं, दो एंड पे हम वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो जो यूज़र एंड है उससे हमने जो है वो अपने डाटा को ट्रांसपेरेंट रखना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर क्या है। ट्रांसपेरेंसी इज़ द सेपरेशन ऑफ द हायर लेवल सिमेंटिंग्स ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम द लोअर लेवल इम्प्लीमेंटेशन इशूज़। कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो सेपरेशन होती है कि आप हायर लेवल के सिमेंटिक्स को लोअर लेवल के सिमेंटिक्स से सेपरेट आउट कर लें। यानी कि हायर लेवल के सिमेंटिक्स को ये इन्फॉर्मेशन ना मिले कि लोअर लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन कोई इशू आ रहा है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए कि उस वक्त में उस पर क्या वर्किंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है बेसिकली इसमें जो है वो डाटा इंडिपेंडेंस का इशू आ सकता है। आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो है वो ट्रांसपेरेंसी है। नेटवर्क की ट्रांसपेरेंसी है और एप्लीकेशन की ट्रांसपेरेंसी है, फ्रेगमेंटेशन की ट्रांसपेरेंसी है। फ्रेगमेंटेशन के नेक्स्ट थ्री टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन एंड हाइब्रिड। अब हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में सिलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी रखनी है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर प्रोजेक्शन की ट्रांसपेरेंसी रखनी है और हाइब्रिड के अंदर जो है वो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों की ट्रांसपेरेंसी रखनी ज़रूरी है। अब आइए हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि नेटवर्क की ट्रांसपेरेंसी क्या होगी। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो डिफरेंट साइट्स को, चार आपने साइट्स ली और चारों साइट्स को का डाटा जो है वो आपने रेप्लिका बना के स्टोर करा दिया और उनको थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जो है वो आपस में आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपके जो यूज़र एंड है जिस जो आपको आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन सा नेटवर्क सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो नेटवर्क सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में है या नहीं है, तो आपने अपने यूज़र एंड से नेटवर्क की ट्रांसपेरेंसी जो है वो रखनी है। यानी जो आपका यूज़र एंड है उस तक इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आपका जो सिस्टम है वो चलना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का आपने सिस्टम क्रिएट किया है ना, उसके अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में डाटा होना चाहिए कि आप कौन सा नेटवर्क सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और क्या नेटवर्क सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यूज़र एंड से शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि हमारे पास रेप्लिकेशन की ट्रांसपेरेंसी क्या होगी। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी में हम ये चेक करते हैं कि हमने अपना किस साइट के ऊपर कौन सा डाटा जो है उसको स्टोर कराया, फिर हमने उस साइट के ऊपर रेप्लिका कितने बनाए, हमने कितनी फ्रेगमेंटेशन की, हमने रेप्लिकेटेड फॉर्म में रखा है, पार्शल रेप्लिकेटेड फॉर्म में रखा है या फुल रेप्लिकेटेड फॉर्म में रखा है, किस फॉर्म में हमने डाटा को जो है वो स्टोर कराया। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन यूज़र को नहीं बतानी। यानी जितनी भी आपकी रेप्लिकेशन की गई है वो आपने पार्शल फॉर्म में की है या फुली रेप्लिकेटेड फॉर्म में की है, वो आपने यूज़र को अलाउ नहीं करना कि वो ये चेकआउट कर सके। उसके बाद आपने किस लोकेशन पे अपने डाटा को रेप्लिका की फॉर्म में स्टोर कराया और किस जो लोकेशन है उस पर आपका जो है वो रेप्लिका नहीं है बल्कि ओरिजिनल फॉर्म का डाटा, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़र को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट क्लोजली रिलेटेड टू लोकेशन ट्रांसपेरेंसी इज रेप्लिकेटेड ट्रांसपेरेंसी, विच मीन्स दैट द यूज़र इज अनअवेयर ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी इज इम्प्लाइड बाय लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि हमने अपनी रेप्लिकेशन को यूज़र एंड से किस तरह से सेव आउट करें। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की और ट्रांसपेरेंसी। हमें नेम की ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है कि किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने अपनी डाटाबेस की डिफरेंट साइट्स का कौन सा नेम रखा है और अपने डाटा की आप कौन सी नेमिंग जो है वो रखना चाह रहे हैं, ये आपके यूज़र एंड पे पता नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की ट्रांसपेरेंसी, लोकेशन की ट्रांसपेरेंसी, रेप्लिकेशन की ट्रांसपेरेंसी, लोकल मैपिंग की ट्रांसपेरेंसी एंड नेमिंग ट्रांसपेरेंसी, ये तमाम डाटा को आपको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ही रखना होगा जब आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को बनाना है।
ठीक है। नेक्स्ट अब आप इसकी फ्रेगमेंटेशन करेंगे, आप कहते हैं कि मैं इसकी जो है वो फ्रेगमेंटेशन करूँगा। तो जब आपने फ्रेगमेंटेशन करनी है तो यूज़र को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप कितनी फ्रेगमेंटेशन करने लगे, यानी आप अपनी एक डेटाबेस को कितने फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे, उसके कितने फ्रेगमेंट्स पर आएंगे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन यूज़र से आपने हाइड करके रखनी है। ट्रांसपेरेंट आपके फॉर्म में डाटा होना चाहिए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करनी है, वर्टिकल करनी है या हाइब्रिड करनी है, आपने किस टाइप की फ्रेगमेंटेशन की है, ये भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यूज़र एंड से महफूज रखेंगे ताकि यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन ना मिले। यूज़र सिर्फ ये जानता हो कि उसने अपनी जो डाटा है उसको कैसे लेना है और उसके पास आउटपुट इस फॉर्म में आ रही है, किस तरह से आ रही है, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन सी साइट पर डाटा मौजूद है, कौन सी साइट एग्जीक्यूट कर रही है, कौन सी साइट जो है वो इस वक्त में वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके यूज़र एंड से महफूज रखी जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास चार टेबल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हम चेकआउट करेंगे कि कैसे हम ट्रांसपेरेंट असेस रखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल जो है वो एक क्यूरी है जिसमें मैं जो है वो सेलेक्ट करती हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एएसटी एंड पे वेयर ड्यूरेशन ग्रेटर देन 12 एंड एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एएसटी डॉट एम्प्लॉय नंबर एंड पे डॉट टाइटल इज इक्वल टू एम्प्लॉय टाइटल। ठीक है, हमने स्टार्टिंग पे टेबल लिया था जिसमें हमने डिफरेंट सिटीज़ का डाटा लिया था, अकॉर्डिंग टू दिस हमने उसी टेबल को अपने सामने रखा। ये देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास चार साइट्स हैं, ठीक है, और चारों साइट्स को मैंने डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं और हर साइट के ऊपर जो है वो एक एक डेटाबेस डाटा की फॉर्म में अटैच है और हर एक साइट जो है वो किसी ना किसी डाटा के रेप्लिका को अपने अंदर स्टोर कराए हुए हैं। अब इसमें से वो सिलेक्ट कर लेगा कि कौन सी साइट से उसने डाटा भेजना है जो ये क्यूरी दी है। अब उसने ये तो नहीं लिखा कि आप फलां साइट से लेके दें डाटा, तो हमने ये ट्रांसपेरेंट असेस की है थ्रू आ क्यूरी कि हम किस तरह से अपने यूज़र जो है वो किस तरह से क्यूरी देगा और यूज़र को हम किस तरह से डाटा देंगे। ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम से जो है वो इसको डाटा मिल जाएगा यूज़र को, लेकिन आप देखें कि बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र से हाइड की हुई है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यूज़र व्यू है, बेसिकली जो आपका यूज़र है, जो यूज़र एंड है जिसको आप एक्सटर्नल व्यू भी कहते हैं, आपके पास जो एक्सटर्नल व्यू या यूज़र व्यू है उसको इस तरह से डाटाबेस नज़र आएगी। आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, पर्पल है, येलो है, ठीक है, ऑरेंज है, ये सब कलर्स कौन से हैं, बैक पे आएँ, ये देखें, ये जो हमने अपने कंट्रीज़ के नेम दिए थे ना डिफरेंट साइट्स के, वही वाले कलर्स जो हैं वो उसने इसमें यूज़ किए हैं। कहता है यूज़र को यूँ नज़र आना चाहिए कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है, ठीक है, इसमें से उसको डाटा चाहिए। अब इस कलर से उसको ये इन्फॉर्मेशन, इस डाटा से उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि फ़लाँ साइट पे फ़लाँ डाटा स्टोर है, फ़लाँ साइट पे रेप्लिका मौजूद है, फ़लाँ साइट पे फ्रेगमेंटेशन की हुई है, फ़लाँ साइट पे हमने फ्रेगमेंटेशन नहीं की है या हमने वैसे डाटा को स्टोर करवाया, तो यूज़र को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। आपके सामने है बिल्कुल डायग्राम, तो ये आपका व्यू होना चाहिए जब आपने डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस को मैनेज करना है। जब भी आपने एक डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस बनानी है तो आपने यूज़र एंड से इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रखना है। कभी भी हम यूज़र को अपनी जो वर्किंग है वो शो आउट नहीं कराएंगे, जस्ट उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जिससे उसको आउटपुट मिलेगी, वो अपना डाटा को ले सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बेसिकली रियल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस कैसे वर्कआउट कर रही है, देखें आपके पास डाटा है, अब डाटा के अंदर हर एक साइट का जो डाटा है वो रेप्लिका के फॉर्म में मौजूद है। ये जो कलर्स हैं ये डिनोट करा रहे हैं कि कौन सी कंट्री के ऊपर कौन सा डाटा मौजूद है, ठीक है, तो आप देखें हर कंट्री का डाटा रेप्लिका के फॉर्म में दूसरे कंट्री के पास, दूसरी साइट के पास मौजूद है, ठीक है। साथ ही हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का एक सॉफ्टवेयर जो उसको मैनेज करेगा वो लग उसको अटैच किया, यूज़र क्यूरी, यूज़र कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेगा वो, और फिर हमने क्या किया कि तमाम साइट्स को थ्रू अ कम्युनिकेशन सिस्टम सब सिस्टम हमने इसको कनेक्ट कर दिया।
और बेसिकली रियलिटी ये है, यानी वर्कआउट इस तरह से हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस के अंदर, लेकिन यूज़र को ये वर्किंग कंडीशन, ये वर्कआउट, ये सारा सिस्टम, ये सारा लेआउट जो है वो हम शो आउट नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रखना है हमेशा। जब तक आपका डाटा जो है वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रहेगा, तब तक आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। जैसे ही हम अपने डाटा को ट्रांसपेरेंट जो है वो नहीं रखेंगे, तो हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और आपको वर्किंग के दरमियान में स्टॉप डाउन भी करना पड़ेगा। यूज़र अपनी पसंद की क्यूरी लगाना चाहेगा, यूज़र उसमें से कोई ना कोई जो है वो उसको पता चल देगा कि आपका फ्लां साइट अगर वर्किंग नहीं कर रही, तो हो सकता है कि उससे आपको लॉस हो। तो इसलिए आपको यूज़र के सामने जो डाटा है उसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रखें, ठीक है। नेक्स्ट, कैसे जो है वो आप पोटेंशियली इम्प्रूव कर सकते हैं इन्फॉर्मेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस हमने इम्प्रूव करनी है कैसे जी, प्रॉक्सिमिटी ऑफ डाटा टू इट्स पॉइंट ऑफ यूज रिक्वायर सम सपोर्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। हमें जो है वो अपनी फ्रेगमेंटेशन करनी है, रेप्लिकेशन करनी है, किस फॉर्म में अपनी जो है वो डाटा को रखना है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हम फ्रेगमेंटेशन या रेप्लिकेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपके पास एग्जीक्यूशन की दो तरह से आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जब पैरेललिज्म सिस्टम को हम अपने सामने रखते हैं, एक इंटर क्यूरी होता है और एक इंट्रा क्यूरी होता है, एक विद इन अ सिस्टम होता है, एक विद आउट अ सिस्टम होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम अटैच होते हैं और फिर हम उसके अंदर जो है वो डिफरेंट क्यूरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास पैरेललिज्म रिक्वायरमेंट्स हैव अ सो एज मच ऑफ डाटा रिक्वायर्ड बाय ईच एप्लीकेशन एट अ साइट वेयर द एप्लीकेशन एग्जीक्यूट have as much of data required by each application at the site where the application executes. अब full replication means that कि आपके पास जो data है आपने तमाम sites के data को replica की form में लिया और तमाम replicas को हर site के ऊपर store करा दिया। अब हर site के पास अपना data भी मौजूद है और बाकी जो साइट्स हैं उसका रेप्लिका भी मौजूद है, इसको कहते हैं फुल रेप्लिकेशन। अगर आप कुछ साइट्स के डाटा को रेप्लिका बना लें और बाकी साइट्स को वैसे ही छोड़ दें, यानी टोटल अगर आपके पास चार साइट्स हैं और चार साइट्स में से दो साइट्स को रेप्लिका बना लें और दो साइट्स के रेप्लिकास ना बनाएं, तो वो आपके पास पार्शियल फॉर्म में आता है। फुल में क्या होगा कि आपके पास जो चार आपकी साइट्स हैं अगर उनकी आप रेप्लिकेशन करते हैं तो हर साइट के पास अपना डाटा भी है और तीन तीन रेप्लिका भी मौजूद है, तो वो फुल रेप्लिकेशन होगा। तो इसमें हम फुल रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। देन अपडेट्स टू रेप्लिकेटेड डाटा रिक्वायर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल एंड कमिट प्रोटोकॉल। आप अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, अपडेट टू रेप्लिकेटेड डाटा रिक्वायर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल एंड कमिट प्रोटोकॉल्स। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल आपने करनी है एंड जो आपने उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हैं उसको फुली तौर पर इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कि आपके पास सिस्टम एक्सपेंशन। अब सिस्टम एक्सपेंशन के अंदर देखें, इश्यूज़ इन डेटाबेस स्केलिंग, डेटाबेस की स्केलिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, एमरजेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड वर्क स्टेशन टेक्नोलॉजीज, अगर आज एमरजेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड वर्क स्टेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट, क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग है, डीमिस ऑफ द ग्रोश लॉ है, डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट वर्सेस द टेली कम्युनिकेशन कॉस्ट। तो ये तमाम जो है वो सिस्टम, अगर आप अपनी साइट्स के ऊपर सिस्टम एक्सपेंशन जो है वो उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों को आपको सामने रखना पड़ेगा। इस तरह से आप जो है वो सिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास आज के, हमारे पास जो डाटा की ट्रांसपेरेंसी है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम यूज़र को यूज़र व्यू देंगे, हमने किस तरह से डाटा को ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रखना है, फिर हमने एक एग्ज़ाम्पल को रिजॉल्व किया, ठीक है। होप्स हो कि आप सबको जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिया मानिल्ला एंड अल्लाह हाफिज़।